Hey guys, welcome to another vlog in Go Travel Gone. आज हम लोग एक बहुत ही छोटा सा रिव्यू वीडियो करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट होम अप्लायंसेस के बारे में. आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू वुड बी हैविंग दिस एट योर होम. पहले ज़माने में ये वायर्ड वाला आता था, अब ये कॉर्डलेस में आता है. सो लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग का इसका अहमियत पता चला. ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा पहला प्रोडक्ट है. सो इससे पहले हमारे पास ऑब्वियसली नहीं था. सो जब घर पे हेल्पर्स नहीं आए तो तब पता चला कि ये होम अप्लायंसेस डेफिनेटली घर पे होना चाहिए. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन विद दिस रिव्यू. सो दिस इज नन अदर देन डाइसन्स V8 एब्सोल्यूट प्लस. ये एक कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर है. तो हम आपको अभी बताएंगे कि इसके कितने सारे पार्ट्स हैं और हम इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं एफर्टलेसली. सो डाइसन V8 एब्सोल्यूट प्लस वी गॉट दिस फ्रॉम Amazon एट 32,000 रुपीज़. और ये हमारे बजट में भी था. तो इसके बहुत सारे वर्जन्स आते हैं जैसे V7, V8, V8 प्लस, एब्सोल्यूट प्लस, देन V11 एक्सेट्रा. तो V11 जो है वो हायर वर्जन में है और उसका रेंज भी थोड़ा सा ज़्यादा है. सो इंक्लूडिंग अ बजट एंड जो भी घर का काम हो सकता है इस वैक्यूम क्लीनर से, तो उसके बेसिस पे हमें ये V8 एब्सोल्यूट प्लस हमें लगा कि ये हमारे लिए सबसे बेस्ट सूट करता है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. देखते हैं कि क्या क्या पार्ट्स हैं इस बॉक्स के अंदर. और ये जो क्लिप है ये हम कुछ दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं. इससे पहले जब हम लोग को ये मिला था हमने उसी समय और एक वीडियो बनाया है जो इसके बाद प्ले करेंगे टू शो कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स अवेलेबल है. हाउएवर अभी इस शॉट के बाद, आई मीन इस क्लिप के बाद, हम लोग फिर से आपको दिखाएंगे कि क्या क्या पार्ट्स हैं और उसका क्या क्या यूज़ हो सकता है. एक छोटा सा डेमो भी दिखाएंगे. এইটা কো আসছে তো মানে মুয়েলা আসছে রাইট রেকর্ডিং চলছে ঠিক আছে. সো ডাইসন V8 অ্যাবসলিউট প্লাস কা ইয়ে মেইন ইউনিট হ্যায় অ্যাজ ইউ ক্যান সি দিস ইজ দ্য ভ্যাকুয়াম ক্লিনার মেইন ইউনিট অর আপ ইসমে দেখ সকতে হ্যায় ইয়ে ইসকা অন এন্ড অফ বটন হ্যায় নিচে ওয়ালা জো হ্যায় ইয়ে হ্যায় ব্যাটারি. और यहाँ पे आप इसको चार्ज कर सकते हैं. ये है अडैप्टर, आप इसको यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं. ये यहाँ पे आएगा. और ये है डॉकिंग स्टेशन. दिस इज़ डॉकिंग स्टेशन. ये एक्चुअली वॉल माउंट इसको करना पड़ेगा और इसके बाद आप इसको डायरेक्टली मतलब वॉल पे ये अटैच होने के बाद आप इसको यहाँ पे लगा के चार्ज कर सकते हैं. फिलहाल के लिए ये हमने यूज़ नहीं किया है. वी आर यूजिंग डायरेक्टली विद दिस. तो ये हम आपको बाद में दिखाएंगे कि अगर आप इसको वॉल माउंट करते हैं तो इसका कुछ कुछ ऐसा सेटअप करके रखना पड़ता है कि ये कैसे करना है. विल शो दिस टू यू लेटर. नाउ कमिंग टू दिस मेन यूनिट, यहाँ पे आप अपना जो सारा एक्सेसरीज है वो आप लगा सकते हैं. ये आपको हम दिखाएंगे इन द वीडियोस. और ये है डस्टबिन जहाँ पे ये एक्यूमुलेट करता है सारा डस्ट जब आप इसको वैक्यूम क्लीन करोगे. और यहाँ पर है ये ब्लू वाला, ये एक फिल्टर है. ये देखिए बस ऐसे निकाल दें, ये फिल्टर है. और आप इसको अच्छे से रनिंग वाटर में धो सकते हैं. धोने के बाद अराउंड 24 to 48 hours इसको लगता है पूरा ड्राई होने के लिए. एंड वंस दिस इज़ ड्राई यू कैन यूज़ इट बैक फॉर योर वर्क. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड वाला चीज़ यहाँ पे डस्टबिन का सिंबल है. सो एक बार डस्ट यहाँ पे कलेक्ट होने के बाद हमें यहाँ से एम्प्टी करना है. एंड हाउ डू वी डू दैट, ये वाला ऊपर के तरफ आपको पुल करना है. थोड़ा ज़ोर से पुल करना पड़ेगा. ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे जो कलेक्ट होता है ना वो सब नीचे गिर जाएगा.
ठीक है, और ये नीचे गिरने के बाद आप इसको बंद कीजिए और यहाँ पे बंद कीजिए। ओके, नाउ बाकी देखते हैं और क्या क्या एक्सेसरीज हैं। ये है एक्सटेंशन रॉड डायसन वैक्यूम क्लीनर का, आप ये देख सकते हैं जहाँ पर आपका हाथ नहीं पहुँच सकता है, या फिर आप फ्लोर पे क्लीन कर रहे हैं या कारपेट क्लीनिंग कुछ भी कर रहे हैं, सो दिस एक्सटेंशन कॉर्ड वी विल हैव टू यूज़ इट। और इसके साथ आता है, ये है सॉफ्ट रोलर, आप ये देख सकते हैं ये सॉफ्ट है यहाँ पे। तो जैसे फ्लोर आप क्लीन कर रहे हैं तो टाइल्स या वुडन फ्लोरिंग हो कहीं पर भी, तो जनरली फ्लोर क्लीनिंग के लिए ये ज़्यादा बेटर है, इसको यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए। देन वी हैव दीज मोटराइज्ड टूल्स फ्रॉम डाइसन, ये दो हैं, ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है, और आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे वो सॉफ्ट वाला चीज़ नहीं है, जबकि ये वाले इस वाले में है, सॉरी इस वाले में है, यहाँ पे क्लॉथ टाइप का है और यहाँ पर नहीं है। सो ये फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज़ होगा इस टाइप की चीज़ पे, और यहाँ पे ये होगा कारपेट क्लीनिंग के लिए। अगर आपका बड़ा कारपेट है तो आप ये वाला आप यूज़ करें, और कहीं अगर चाहिए होगा तो ये छोटा वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कारपेट पे ही आप यूज़ कर सकते हैं, फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, बट द बेस्ट वन विल बी दिस वन। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द अदर एक्सेसरीज। सो ये और तीन एक्सेसरीज हैं डायसन के, तो यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों में ब्रश वगैरह है, और यहाँ पे टू इन वन लाइक कॉम्बिनेशन वाला है, आप इसको ब्रश की तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस पीछे भी ऐसे आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। हम आपको ये आगे वीडियोस में दिखाएंगे कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, और बेसिकली यू कैन सी कि क्लीन करते वक्त ये ब्रश भी यूज़ हो जाएगा, और जो डस्ट पार्टिकल्स मतलब ये ब्रश करने के बाद जो भी आएगा ये अंदर वैक्यूम इसको पंप कर लेगा। ओके, और ये है मैं टेक्निकल टर्म्स तो आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि ये कितना फ्लेक्सिबल है, सो दिस इज लाइक फ्लेक्सिबल होस, दैट्स व्हाट इट्स बीइंग कॉल्ड, और जहाँ पर आपका हाथ इजीली नहीं पहुँच सकता है आप उस टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टॉप शेल्फ्स है किचन में हो या कहीं कैबिनेट पे कहीं पर भी, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, तो ये आराम से अपने से ही ये घूम फिर के जो भी है डस्ट कलेक्ट कर लेगा। तो ये हम आपको दिखाएंगे वीडियो पे। ये लास्ट तीन एक्सेसरीज़ हैं डायसन के, तो ये वाला जो है हम बेड्स को क्लीन कर सकते हैं, कार मैट्रेसेस वगैरह उसके ऊपर जो है बेडशीट्स वगैरह इसको हम यूज़ करके क्लीन कर सकते हैं, और ये वाला यूज़ करते हैं जहाँ पे थोड़ा हाइट है, जैसे कि आपको रूफ़ वाले एरियाज आपको क्लीन करने हैं, स्पाइडर वेब्स एंड ऑल, उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये एक्सटेंड हो जाता है एक्सटेंशन रॉड के साथ, आप इसको लगा दीजिए और जो भी बाकी टूल्स हैं आप इसको अटैच करके वैक्यूम क्लीन कर सकते हैं। और ये जो है ये एज क्लीन कर सकता है, जहाँ पर एजेस हैं जैसे कि खिड़की वगैरह या स्लाइडिंग डोर्स, उसके नीचे जो डस्ट वगैरह जम जाता है यहाँ मतलब वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं ये सारे एक्सेसरीज़ हम कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। डायसन के मेन यूनिट पे यहाँ पे ये मिनिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है, दिस इज़ मिनिमम पार मैक्सिमम पार। मिनिमम पार में जनरली आपका सारा काम हो जाएगा, मैक्सिमम पार अगर आप यहाँ पे ला के अगर आप अपना क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम ये शायद 10 मिनट्स के अंदर ये काम करता है, ज़्यादा पावरफुल मोड है, बट जनरल घर का जो भी काम है आप इस मिनिमम मोड पे भी यूज़ कर सकते हैं, और डायसन एटलीस्ट यू नो नॉट एटलीस्ट मैक्स 40 मिनट्स तक पूरे फुल चार्ज पे वो सारा काम करवा देगा। सो द फर्स्ट सेटअप इज फॉर कारपेट क्लीनिंग, तो कारपेट क्लीनिंग के लिए हम ये टॉर्क वाला एक्सरसाइज यूज करने वाले हैं। सो दिस इज अ रॉड,
और यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे हम अटैच करेंगे जो मेन यूनिट है वैक्यूम क्लीनर का। ओके, तो पहले हमेशा आप ये रॉड के साथ इसको अटैच कर लीजिए कुछ इस तरह। डन, अब ये इजी हो जाएगा मेन यूनिट अटैच करने के लिए क्योंकि ये हैवी है थोड़ा सा। सो वी आर रेडी विद द सेटअप कार्पेट क्लीनिंग के लिए, लेट्स गो। कारपेट क्लीनिंग हो गया है, अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना डस्ट कलेक्ट हुआ है। सो अभी इसको रिमूव करेंगे यहाँ से, जस्ट प्रेस दिस रेड बटन, रिमूव इट, और ये देखिए कितना डस्ट कलेक्ट हुआ है। ये देखिए सिर्फ एक ही कारपेट में से, अब दोबारा इसके ऊपर चलाएंगे तो फिर से और ज़्यादा कलेक्ट होगा। सो अभी के लिए इस वाले पोर्शन के लिए बस इतना ही। ये वाला जो है ये है सोफ़ा और मैट्रेस वगैरह क्लीन करने के लिए जैसे पहले बताया था, तो देखते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड वाला है यहाँ पे अटैच करने के लिए। ओके, अब इसको ये जो बटन है दबाइए एंड वैक्यूम क्लीनिंग स्टार्ट। ये वाला जो है ये ब्रश वाला जो कॉम्बो मोड है, हम अभी ग्लास क्लीन करेंगे, तो लेट्स सी। ये रहा अटैच्ड, नाउ लेट्स बिगिन। ये देखिए ये टेबल बहुत ही गंदा है, इसको क्लीन करते हैं। तो आप देख सकते हैं टेबल कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है। अभी दूसरी वीडियो में चलते हैं। ये वाला जो है एज क्लीनिंग के लिए है, तो यहाँ पे इसको लगाते हैं। लेट्स ट्राई। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना सारा यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है सब। इसको क्लीन करते हैं। अभी हम लोग टीवी क्लीन करेंगे, तो वी विल ट्राई टू यूज दिस। ये यहाँ पे लगा दिया और इसको नीचे रख देंगे और ये ब्रश यहाँ पे अटैच्ड। अब अभी हम ये वाला एरिया क्लीन करेंगे, ये जो ऊपर वाला है इसको हम क्लीन करेंगे। तो पहले लगा दिए ये रॉड, देन इसका हम यूज़ करेंगे जहाँ पर रेड वाला है। सॉरी, पहले मुझे इसके साथ लगाना था और
ये हो गया हमारा 90 डिग्री या जो भी एंगल आपको चाहिए, और ये ब्रश यूज करेंगे। दिस इज डन। ये यहाँ पे देखिए, टाइसन का या कोई भी ऐसे वैक्यूम क्लीनर का बस यही एक डीमेरिट बोल सकते हैं या जो भी है मेंटेनेंस पार्ट। आप देख सकते हैं कि एक बार फ्लोर क्लीनिंग हो या कारपेट क्लीनिंग हो या जो भी है, कुछ कुछ ऐसे अंदर स्टक होकर रह जाते हैं। सो आपको ये देखिए बाल वगैरह ये सब अटक गया है, तो इसको आपको क्लीन करना पड़ेगा मैन्युअली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो नहीं एक ही है, ये वाला हटा के आप इसको निकाल सकते हैं, पूरा क्लीन कर सकते हैं और फिर इसको वापस लगा सकते हैं ताकि ये फिट होके रह जाए। सो बस यही इसका एक डीमेरिट मुझे लगता है कि जो भी डस्ट वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लग जाता है, विच हैव टू क्लीन इट मैनुअली। सो ये डॉग स्टेशन है, अगर आप ऐसे वॉल माउंट करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग तो नहीं करेंगे, तो बाद में हम लोग करेंगे। सो दीज आर द प्लेसेस जो यहाँ पे आपको ऐसे स्क्रू हो या जो भी है आप इसको फिट करना है, और देखते हैं कि ये जो है ये कैसे अंदर जाएगा। तो ये केबल आपको इसको ऐसे अंदर डालना है, ये देखिए यहाँ से ये निकल गया। अब ये जो है यहाँ पे इसको फिक्स करना है, तो आपको इसे अंदर पुश ऐसे करना है, थोड़ा टाइट है बट हो जाएगा। ओके, अब इसको घुमा के ये यहाँ पर है ऐसे, ये यहाँ पर आना चाहिए ऐसे, इसको लगा दीजिए, हो गया। अब ये ऐसे वॉल पे माउंट, ये ऑलरेडी मान लीजिए कि मान के चले कि लग गया है, तो उससे पहले आपको इसको ये सेटिंग करके यहाँ पे डालना है, फिर आपको ये ऐसे अंदर आपको घुसाना है। यस, लाइक दिस। फिर ये आपका ऐसे चार्ज हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये आपको सॉकेट में तो डालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं चलेगा। तो दिस इज हाउ यू माउंट इट, और ये ऐसे चार्ज होगा। तो अभी जितना भी हमने क्लीनिंग किया है उसमें से इतना सारा डस्ट कलेक्ट हुआ है, अभी इसको हम निकाल देते हैं ताकि हम आपको दिखा सकें कि फ्लोर पे कैसे क्लीनिंग होता है। तो वो वाला एक सेक्शन बाकी है, तो उसको दिखाने के लिए ये वाला सारा डस्ट यहाँ पर एम्प्टी करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी। इसको ऐसे पुल कीजिए जोर से, देखा कितना इजी है। ये बाल जो है मेरे हैं ऐसे अटक गया है। ओके, सॉरी,
पहले हमेशा ये सेक्शन आप लगाएगा, उसके बाद ही मशीन के साथ लगाएगा। आई एक्चुअली फॉरगॉट, ये वाला है सॉफ्ट रोलर जो फ्लोर पे यूज होता है। तो देखिए, सो फाइनली वी आर डन विद द क्लीनिंग पोर्शन, और हमने आपको दिखाया कि डायसन का ये V8 एब्सोल्यूट प्लस आप कैसे यूज़ कर सकते हैं विद इन बजट। और अभी 40 मिनट्स हो गया होगा, इट्स नॉट इवन 40 मिनट्स, जो छोटा छोटा सेक्शन हम आपको जितना दिखाए हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट से हमारे लिए तो बहुत अच्छा है और काम भी थोड़ा आसान कर देता है। सो होपफुली यू लाइक दिस रिव्यू, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू गेट मोर अपडेट्स फ्रॉम गो ट्रैवल गॉन। थैंक यू एंड प्लीज़ डू कॉमेंट बिलो अबाउट दिस रिव्यू। थैंक यू, सी यू द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर। सो डायसन V8 एब्सोल्यूट प्लस ये हम अमेजोन से लेके आए हैं, एंड वी ठीक है। सो ये पहला इंस्ट्रूमेंट ओके okay.